तो गाइस आज हम करने वाले हैं प्रपोजिशन, यानी 21 चैप्टर प्रपोजिशन। चले गाइस यहाँ पर रीड करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई हुई है, चलिए देखते हैं नीचे क्या है। यहाँ पर लिख रहा है व्हाट डू यू सी, हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे गए, चलिए ना रीड करते हैं। अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, जो बॉय है उस ट्री के नीचे बैठा हुआ है। अ काउ इज स्टैंडिंग नियर द लेक, एक काउ है जो लेक के पास खड़ी हुई है। अ हाउस इज बिहाइंड द ट्री, जो हाउस है वो ट्री के पीछे है। अ बॉय इज स्विमिंग इन द लेक, जो एक लड़का है, यहाँ पर एक छोटा सा लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या कर रहा है, स्विमिंग। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, यानी एक बर्ड है जो उसके घर के एकदम कोने पे बैठी हुई है। यहाँ पर गाइस कुछ यहाँ पर प्रपोजिशन का मीनिंग लिखा गया है, चले गए इनको रीड करते हैं। द वर्ड्स अंडर नियर बिहाइंड इज ऑन आर प्रपोजिशन आर दे शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग विद अनादर अ वर्ड दैट शो द रियलिटी वन थिंग विद अनादर इज अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रपोजिशन। मतलब जो ये सेंटेंस है इनको बोलते हैं प्रपोजिशन। यहाँ पर लिखा है लेट्स अस रीड अबाउट सम मोर प्रपोजिशन, मतलब इनके कुछ एग्जाम्पल चलिए रीड करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम हर दिन स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बोल्ड वर्ड है गाइस, टू, यानी टू प्रपोजिशन है। आई एम स्टैंडिंग विद शल, मैं शल के साथ खड़ा हूँ। किसके साथ खड़ा हूँ, वे उसके साथ, तो ये क्या हो गया प्रपोजिशन विद। वी आर वेटिंग फॉर द बस, हम किसका वेट कर रहे हैं, बस का। अब हाँ यहाँ पर फोर हो गया ना, तो वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आर ट्री। यहाँ पर ये पिक्चर है, ये यहाँ पर हम उस ट्री के आगे खड़े हुए हैं। एंड ये हमारा लास्ट है, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यहाँ पर ये एक छोटी सी बर्ड है उसके ऊपर से उड़ रही है। तो यहाँ पर भी कुछ है, चलिए इनको भी रीड कर लेते हैं, आप इनको खुद रीड करना। सो गाइस अब इनको देखते हैं, इनमें आपको ही बताना है, आप इसको नोटबुक में राइट करके और सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा बस 1 to 10 समझा देती हूँ, वैसे ये 10 है, 1 आप अपने आप कर लेना। द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ट्री, यहाँ पर पिक्चर है, जो बर्ड है वो किसके ऊपर से फ्लाई कर रही है, ट्री के ऊपर से, यहाँ पर ओवर हो गया। जैसे बिटवीन रोनी एंड सनी, वो उन दोनों के कहाँ बैठा हुआ है, बिटवीन यानी बीच में। हमारी थर्ड है प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर क्या है, टू क्या है, प्रपोजिशन। यहाँ पर हमारा फोर्थ है द क्लॉक इज ऑन द वॉल, जो एक घड़ी है वो किसके ऊपर है, वॉल के ऊपर यानी दीवार के ऊपर। हमारा फिफ्थ है द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, जो डॉग है वो किसके नीचे सो रहे, टेबल के नीचे। अब हमारा सिक्स्थ है ओवर स्कूल इज नियर अवर हाउस, मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर के पास है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नियर। अब हमारे सेवेंथ है द कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट, पार्क
देखिए गाइस, यहाँ पर कैसे खड़ी हुई है, वो एकदम फ्रंट खड़ी हुई है। यहाँ पर हमारा, चलिए अपना एट तो देखते हैं। सी इज राइटिंग विद अ पेंसिल। वो किससे राइट कर रही है? पेंसिल से। तो किसके साथ राइट कर रही है? विद यानी पेंसिल। किसके साथ कर रही है? पेंसिल के साथ। तो यहाँ पर विद है। यहाँ पर नाइन्थ है, आई बॉट द टेब वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मैंने सब्जियां मार्केट से क्या करी? खरीदी थी। कहाँ से खरीदी थी? मार्केट से। तो यहाँ पर कहाँ यानी फ्रॉम है। सो ये गाइस हमारा 10th है, द टीम विल रीच द ग्राउंड इन द मॉर्निंग। जो टीम है वो ग्राउंड में आ गई। तो यहाँ पर आ गई मतलब रीच, रीच का मतलब आ गई। तो यहाँ पर क्या है? रीच पर पूछ। सो गाइस, सो आप जो ये बाकी के ये नीचे दिए गए हैं, ये 3 आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताना कि इनका आंसर क्या है, मतलब अपनी हेल्प से करना। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं सो गाइस सॉरी, ये भी है, मैंने प्रिंट नहीं किया था। यहाँ पर कुछ ये भी है। सो गाइस आप इनको भी कर लेना राइट। आई होप आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे प्रपोजिशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।